हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुमार एंड यू आर वाचिंग टेफिक्स यूट्यूब चैनल। सो ये जो वीडियो है ये एक Q&A सीरीज का वीडियो है, यानी कि आप उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ। कुछ सवाल जवाब हमारे बीच में होते हैं, आपकी कुछ कमेंट मैं पिक करता हूँ, आपकी कुछ मेल्स पिक करता हूँ और इंस्टाग्राम पे आए हुए कुछ सवाल, मतलब सारे मिला जुला के मैं पिक करके एक एपिसोड बनाता हूँ जिसके अंदर आपको सवाल पूछते हैं। तो आज भी मेरे पास में कुछ सवाल मौजूद हैं तो उसके जवाब मैं आपको दूंगा, हो सकता है आपका भी कोई सवाल इसमें हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास में जो पहला सवाल आया है वो है आयुष की तरफ से, रेड रूम का सेकंड एपिसोड अपलोड करो। देखिए, रेड रूम पे मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसके ऊपर आप लोगों ने काफी अच्छा प्यार दिया था, तो रेड रूम का सेकंड एपिसोड जल्द आएगा। उसके ऊपर थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा हूँ टॉपिक पे, क्योंकि रेड रूम का जो ऐसे जो टॉपिक होते हैं वो आसानी से नहीं मिलते, तो रेड रूम के ऊपर मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे रिसर्च कंप्लीट होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ मैं, उसके बाद में उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आप चैनल के साथ में बने रहिए, अगर आपको मिस्ट्री सीरीज पसंद है तो चैनल के साथ में बने रहिए, रेड रूम का सेकेंड एपिसोड जल्द आने वाला है। ओके, अगला सवाल हमारे पास में है एलिना। ओके एलिना, फॉर एवरी डे आई मिस यू, फॉर एवरी हार I need you, for every minute I feel you and for every second I want you and always I love you, from South Korea. South Korea से ये comment आई थी मेरे पास में और इनको मैंने जवाब भी दिया था। वैसे मैंने इनको already जवाब दे चुका हूँ। तो एलिना जी, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा प्यार दिखा दिया आपने, सो इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच एंड चैनल के साथ में बने रहिए। बाकी मेरे पास कुछ है नहीं अभी बोलने के लिए, आपको समझ सकते हैं आप। ओके, अगला सवाल हमारे पास में है राजेंद्र प्रसाद, और यार मैं सच बता रहा हूँ इनके मेरे पास में इतनी कमेंट आई ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट की है। मैं पिछले Q&A में भी इनकी कमेंट पिक नहीं कर पाया था, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट ये अब की बार कहते हैं कि सर प्लीज़ जियो F220B का अनलॉक वीडियो बनाओ प्लीज़। ओके, तो देखिए राजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास ये करंटली मॉडल नहीं है, मेरे पास में F90M मॉडल था, उसके ऊपर मैंने अनलॉक करने का उसको वीडियो बना दिया था, तो मेरे पास में मॉडल नहीं आया। फिर भी मैं ट्राई ज़रूर करता हूँ इधर उधर से दोस्तों वगैरह से, लेकिन मेरे पास में मॉडल नहीं है, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। F90M के ऊपर भी मैंने काफ़ी टाइम से काम किया था, उसके बाद में मैंने उसको अनलॉक सक्सेसफुली कर लिया था, वो भी पूरे तरीके से नहीं हुआ था, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी वोल्टी के अंदर। तो मैं ट्राई करता हूँ, बहुत सारे ऐसे जियो के बहुत सारे मॉडल अवेलेबल, समथिंग 7 से 8 मॉडल है मेरे पास में। रोजाना ऐसे रिक्वेस्ट आती है कमेंट बॉक्स में कि इस टॉपिक पे नहीं, इस फ़ोन का अनलॉक वीडियो बनाओ, इस फ़ोन का अनलॉक वीडियो बनाओ, तो लेकिन मेरे पास में फ़ोन नहीं है एक्चुअली। बात प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं बना सकता, इसके बारे में आप समझने की कोशिश कीजिए। आई एम सॉरी, मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकता, बाकी मैं कोशिश करूँगा बनाने की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है योगिता। सर आप शादी कब करोगे? हैं, ये कैसा सवाल है योगिता? तो देखिए योगिता जी, मैं शादी करूँगा, लेकिन कब करूँगा इसका कोई पता नहीं है, और अभी यार मेरी शादी की उम्र हुई भी नहीं। आप अभी से बोल रहे हो शादी कब करोगे, तो करेंगे शादी, कब करेंगे इसका पता नहीं है, लेकिन अभी तो मेरी शादी की उम्र भी नहीं हुई यार, अभी तो खेलने कूदने के दिन है, थोड़ा सा और जी लेने दो, उसके बाद में करेंगे आराम से शादी। अगर आप चैनल के साथ में कनेक्ट रहे उस टाइम तक, तो आपको इनविटेशन भी हम जरूर भेजेंगे, थैंक यू सो मच योगिता जी। ओके, अगला सवाल हमारे पास में आया है वरुण, और ये कहते हैं कैसे पता करें कि कोई एंड्रॉइड ऐप डेटा चुरा रही है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका जो सवाल है ये बहुत ही अच्छा सवाल है वरुण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, कैसे पता करें कोई एंड्रॉइड ऐप डेटा चोरी करती है। देखिए इसका कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है कि आप इस तरीके से पता कर लेंगे कि ये एप्लीकेशन डेटा चोरी कर रही है फिर नहीं कर रही है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन टाइम पे। अगर कोई एंड्रॉयड ऐप ऐसी परमिशन मांग रही है जो उसको जरूरत ही नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई म्यूजिक प्लेयर वाली ऐप है, वो आपसे परमिशन मांग रही है कॉल मैनेज करने की, या फिर आपके कॉन्टेक्ट रीड कर रही है, तो म्यूजिक बजाने में कॉन्टेक्ट की कोई जरूरत नहीं रहती। तो ऐसी एप्लीकेशन आपसे समझ जाइएगा वहाँ पे कि आपके डेटा चोरी हो सकते हैं। बाकी वहीं पे जैसे व्हाट्सएप अगर कॉन्टेक्ट की परमिशन मांग रहा है तो जायज़ है, क्योंकि व्हाट्सएप को तो कॉन्टेक्ट दिखाने तो कॉन्टेक्ट की परमिशन मांगेगा ही, लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे परमिशन मांग रही तो आपकी डेटा चोरी करेगी। इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, देखिए बहुत लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर मुझे प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना पड़ेगा कि कोई एंड्रॉयड ऐप आपके डेटा कैसे, यूजर से डेटा उठाती है, कैसे अपने सर्वर तक पहुंचाती है, इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं जल्द से जल्द आ जाएगा।
ओके नेक्स्ट सवाल हमारे पास में है टेक्निकल विमल, नमस्ते। ओके नमस्ते, मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए? देखिए मैंने पहले ही बताया था, वीडियो एडिटिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ सोनी वेगस प्रो। और आप बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने टॉप 10 वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बताए हैं, एक बार जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट सवाल हमारे पास में आया है आकांक्षा राठौड़, सर कभी लाइव आओ, बहुत से सवाल पूछने हैं। सो थैंक यू सो मच सवाल पूछने के लिए। बाकी लाइव की बात तो आकांक्षा जी मैं आपको बताना चाहूँगा, लाइव अभी नहीं आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, लाइव ज़रूर आऊँगा। और आपके सवाल हैं तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे दूँगा उनको, बहुत सारे सवाल हैं तो आप लाइव आने पर ज़्यादा, खैर अब आपको तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप लाइव आने पर ज़्यादा पूछना चाहते हो तो आप लाइव आने पूछ सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा मुझे अभी लाइव आने में। चैनल पे लाइव आऊँगा तब मैं उससे पहले अनाउंसमेंट कर दूँगा कि मैं अभी लाइव आने वाला हूँ, तो लाइव थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके अब आखिरी सवाल है, ये सवाल हमारे पास में आया है राहुल की तरफ से, नमस्ते भाई। नमस्ते भाई, इतना बता दो कि अगर कोई कंपनी फ़ोन में अपडेट नहीं दे तो कैसे अपने फ़ोन को अपडेट करूं? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, देखिए कोई कंपनी अगर आपके सिस्टम में अपडेट नहीं दे रही है, कोई भी एंड्रॉयड का अपडेट अगर नहीं दे रही है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कस्टम रोम फ्लैश कर लेना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले अपने एंड्रॉइड फोन का बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपके मोबाइल के लिए कस्टम रोम आपको ढूंढनी पड़ेगी कि कस्टम रोम अवेलेबल है या फिर नहीं है। उसके बाद में जब आप कस्टम रोम इंस्टॉल करेंगे तो आपका फ़ोन जो ऑटोमेटिकली वो नए वर्जन के अंदर अपडेट हो जाएगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है अगर कंपनी अपडेट नहीं देती है तो। सो फ्रेंड्स ये थे आपके द्वारा पूछे गए कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस जो आपने मुझसे पूछे, मैंने उनका आंसर दे दिया, हालांकि एक दो क्वेश्चन मुझसे मिस हो गए लेकिन मैंने ऑलरेडी उनको आंसर दे दिया था। अगर आपके भी कोई सवाल है मुझसे, आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, फिर आप कोई क्वेश्चन मुझसे करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है #AskSatish और अपना क्वेश्चन वहाँ पर लिख देना है। अगर आपका कोई बड़ा ही क्वेश्चन आपको सीरियसली मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आई डी है satish@techfiction.in, आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप मेल आईडी पे मुझसे करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और अगले जो क्यू एन ए सीजन होगा उसके अंदर मैं आपका क्वेश्चन पिकअप करूंगा और आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर तो आपने कर ही रखा होगा, अगर कर रखा है तो पास में बेल आइकन उसको जरा प्रेस कर दीजिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।